नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। 71वें गणतंत्र समारोह की पूर्व संध्या पर हम आपको मुबारक देते हैं, साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। उसकी वजह भी है कि पहली मर्तबा 370 में संशोधन हुआ है। 70 सालों के बाद ये बड़ा संशोधन हुआ है और जिसके चलते कहीं ना कहीं कई महीनों तक इंटरनेट सेवा बाधित रही, कई रिस्ट्रिक्शंस रही, पाबंदियाँ रही, जिसके कारण दूसरी और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को एक मुद्दा जो पाकिस्तान के पास था, जिस मुद्दे को लेकर के वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के जाकर के गुहार लगाते थे, आर्थिक मदद भी उनको मिलती थी, लेकिन अब वो मदद भी उनको नहीं मिल रही है। लिहाजा ये चैलेंज है, सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यही एक कारण है कि इस बार का गणतंत्रता दिवस जो है बड़ा अहम रहेगा, सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा अहम रहेगा और संविधान के लिहाज से। तो पहले ही मैंने कहा कि 5 अगस्त को बड़ा संशोधन कर दिया गया था, लेकिन आज जगह जगह चप्पे चप्पे पे नाके लगाए गए थे और तलाशी ली रही थी, गहन तलाशी ली जा रही थी, हर आने जाने वाले व्यक्ति या गाड़ी को रोका जा रहा था और उसकी तलाशी ली जा रही थी। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, कुछ इनपुट्स भी जो है एजेंसीज के पास है जिन पर काम किया जा रहा है। दर्शकों, यूटी में मुख्य समारोह जम्मू में होगा, जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुख्य समारोह होगा, जिसको लेकर के आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। सिर्फ जम्मू में ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। और बड़ी बात यह है कि पहली मर्तबा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन जीते हुए हैं वो ब्लॉक में जाकर के झंडा चढ़ाएंगे, झंडा फहराएंगे। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीडीसी के इलेक्शन पहली मर्तबा हुई है, पंचायत की इलेक्शन पहले भी होती रही है, और इससे पहले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो BDO हुआ करते थे वो झंडा फहराया करते थे। कहीं ना कहीं ताकत ज़रूर पंचायतों को मिल रही है। दर्शकों, ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया। हम सब जानते हैं कि मौलाना आजाद स्टेडियम में अगर प्रमुख समारोह हो रहा है तो वहाँ पर ट्रैफिक जैमिंग ना हो, इसके लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। हमने इस बाबत SSP ट्रैफिक जोगिंदर सिंह से बातचीत की। सबसे पहले तो मैं जम्मू वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। जो मुख्य समारोह है हमारा, वो MS स्टेडियम में मनाया जा रहा है। उसके लिए हमने कुछ ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैफिक के इंतज़ाम किए हैं, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी और कुछ डाइवर्शंस होंगे। सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्शन वो रहेगा कि हमारा विक्रम चौक से टूवर्ड्स डोगरा चौक जो मेन ब्रिज है वो जो है वो बंद रहेगा जब तक समारोह चल रहा है। इस तरह हमारे जो कट पॉइंट्स हैं, कट ऑफ पॉइंट्स, विक्रम चौक, कनाल हेड, इंदिरा चौक, शकुंतला क्रॉसिंग और महेशपुरा चौक, यहाँ से हम किसी भी गाड़ी को टूवर्ड्स वेन्यू जो है वो अलो नहीं करेंगे।
इस एरिया में वही गाड़ियां आएंगी जिनके लिए पास पार्किंग पासेस होंगे, और उनके लिए हमने 13 लोकेशन जो है आइडेंटिफाई की हैं जहां पे वो अपनी गाड़ी जो है पार्क कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल पब्लिक के लिए हमने वेयर हाउस विक्रम चौक में, इंदिरा चौक में जो नई पार्किंग बनी है वहाँ पर, और भगवती नगर की पार्किंग जो है उसको हम जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मेरी सबसे गुजारिश ये रहेगी कि इस समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और अगर जिनको नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जाना है तो हमारे दोनों ब्रिज जो भगवती नगर ब्रिज और गुज्जर नगर ब्रिज जो हैं वो खुले रहेंगे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ये गुजारिश रहेगी कि इस समारोह में, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है हमारा, और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय हिंद। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कि 71वां गणतंत्र दिवस क्यों अहम है, और ख़ासतौर पर रियासत जम्मू कश्मीर, क्षमा कीजिए यूटी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले 26 जनवरी 2019 को जब 26 जनवरी मनाई गई तब ये रियासत थी, अब दो यूटी में तब्दील हो चुके, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी, ये दो यूटी बन गई हैं। पहले जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान हुआ करता था, अलग से फ्लैग हुआ करता था, लेकिन अब कोई संविधान अलग नहीं है, कोई फ्लैग अलग नहीं है, यानी 370 में संशोधन हो चुका है और 35 से रिपील हो चुका है। इसलिए ये वाला गणतंत्र दिवस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और संविधान के लिए संविधानिक जब संशोधन होता है तो संविधान का याद करना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था, उनकी अध्यक्षता में लिखा गया था, उनको ऑप्ट किया गया था, लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी था। हमने कुछ सियासी जमातों से बातचीत की, तो सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बदला बदला निज़ाम है, बदली बदली आबो हवा है, लिहाजा ये 26 जनवरी का कुछ और ही महत्व बढ़ जाता है। आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम है कि जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है इन टोटो जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है। हैरान की आती थी कि जम्मू कश्मीर के जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो पार्लियामेंट में कानून बनाते थे देश के हित के लिए, लोगों के, समाज के हित के लिए, पर वो कानून जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। इस सरकार ने जो 5 अगस्त को फैसला लिया, जम्मू कश्मीर स्टेट में से 370-35 को हटाया, जम्मू कश्मीर स्टेट को रीऑर्गेनाइज़ किया, अब जम्मू कश्मीर में जो देश का संविधान है इन टोटो यहाँ लागू होगा, उसका सीधा जो इफ़ेक्ट है आप देखेंगे कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे उनको राइट्स मिले, पहले जम्मू कश्मीर में उनको राइट्स नहीं थे, आपके जो गोरखा समाज के लोग हैं उनको राइट्स मिले, वाल्मीकि समाज है उनको राइट मिला। इसलिए इस बार का जो हमारा 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, उसे जम्मू कश्मीर के लोग धूमधाम से मनाए। दर्शकों, हमने कांग्रेस से भी बातचीत की, और कांग्रेस का भी ये मानना है कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व हो, पहले भी मनाते रहे हैं और अब भी मनाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि डिमोशन हुई है, एक रियासत से यूटी का दर्जा मिला है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आवाम में नाराज़गी ज़रूर है, उस नाराज़गी को एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो केंद्र सरकार उसमें पूरी तरह से विफल रही है। ये ठीक है कि स्टेट का अपना फ्लैग जो है एक पहचान वो ज़रूर रहती थी वो अलग, लेकिन आपने देखा कभी कि 26 जनवरी को स्टेट फ्लैग चला, वो राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाता था, एक निशान पूरे देश में यहाँ भी था, और ये टूट अंग है, था, रहेगा, लेकिन एक एजेंडा था किसी पार्टी का, उसके तहत यहाँ की रियासत तोड़ दी गई। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार पहली बार जो ऐतिहासिक रियासत थी उस रियासत के बशिंदे जो हैं वो रियासत के तौर पे झंडा जो है वो नहीं चलाएंगे, और बाकी तो राष्ट्रीय ध्वज वो सबका मान है। और ये भी लिखा था कि स्टेट का जो फ्लैग है वो पैरेलल फ्लैग नहीं है, ये संविधान में था कि जो स्टेट का फ्लैग था वो पैरेलल फ्लैग नहीं था, ना ही वो राष्ट्रीय ध्वज के बराबर उसको माना गया था कभी भी, वो राष्ट्रीय ध्वज के अधीन ही एक स्टेट की पहचान थी। लोग उस चीज़ को याद रखेंगे, लेकिन साथ में इस चीज़ की निराशा भी है, उसका रिजेंटमेंट है, रोष है, जो लोग मुख्तलिफ तरीके से हर संस्था जो है उसको उभार रही है। कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से पहले भी कहा है, हमने कहा कि फौरी तौर पर रियासत को बहाल किया जाए, इसलिए ये पहली
26 जनवरी होगी कि जो हम बतौर रियासत नहीं बना रहे। दर्शकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मानना है कि पहले भी इस पर्व को अच्छे तरीके से मनाया जाता रहा है, इस बार भी वो पार्टी हेडक्वार्टर में भी इस पर्व को मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन उनको आपत्ति है तो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है उस पर आपत्ति है, जगह जगह पाबंदियां लगाई जाती हैं उस पर आपत्ति है। उनका कहना है कि ये सिर्फ अफसरों अधिकारियों का फंक्शन बन के रह जाता है, आम पब्लिक को भी उस मैदान तक पहुंचने का पूरा मौका मिलना चाहिए जहां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उन्होंने एतराज़ जाहिर किया है कि कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होनी चाहिए और लोगों को, आम लोगों का जो राष्ट्रीय पर्व है, आम लोगों को मनाने देना चाहिए। झंडा जब भी आज तक मैंने देखा है तो वो तिरंगा ही लहराया गया है। अलबत्ता वो जो स्टेट फ्लैग था वो गाड़ी जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते थे वो लहराते थे, या सेक्रेटरीट के ऊपर था या हाई कोर्ट के ऊपर था। तो अब चूंकि यूनियन टेरिटरी बना है तो आज वो फ्लैग उन बिल्डिंगों से और उन गाड़ियों से गायब हो गया। वो एक सिंबल था, और उस सिंबल, वो सिंबल क्या था उस फ्लैग के मामले में, यह है कि जम्मू कश्मीर की जो मूवमेंट थी वो मूवमेंट का एक सिंबल था। तो वो फ्लैग जब 370 टूट गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वो फ्लैग हटा दिया गया। वो ये भी कहना चाहता हूँ कि ये फंक्शन अब गवर्नमेंट के रह गए हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रही है। वहाँ जो प्रोग्राम होता है वो भी एक अजीब सा, बहुत सी मीटिंगें की हमने, पहले भी की डिपकॉम के साथ की, हमने कहा इसको लोगों का प्रोग्राम बनाओ, ये ऑफिशियल प्रोग्राम बन गए हैं। वहाँ अफसरों की चहल पहल होती है, लोग नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि लोगों की रिस्पेक्ट नहीं होती है। अगर आप एक आम शहरी को बुलाते हो वहाँ, उसको रिस्पेक्ट से बुलाओ। आप ये भी देखेंगे, आप जब आपका प्रोग्राम होता है तो वो सिर्फ डाइस के सामने, सेंट्रल पैवेलियन के सामने घूमता है, तो जो पीछे बैठते हैं वो तो बेवकूफ़ी की तरह बैठते हैं। दर्शकों, 370 और 35 को लेकर के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अभी भी कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर होप है, उम्मीद है। उनका कहना है कि उसका इंतजार करेंगे, कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है और कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा कोर्ट का फैसला। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर के पार्टी पूरी तरह से तैयार है, पार्टी मुख्यालय में झंडा चढ़ाया जाएगा और हर साल की तरह जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस पर्व को मनाती रही है वैसे ही मनाएगी। देखिए, 26 जनवरी जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा गणतंत्र दिवस है, ये आइन इसी दिन आइन बना था और हिंदुस्तान के आइन का दिन है ये। इसको यूटी से या स्टेट से कोई मतलब नहीं है, ये लोगों का खुशियों का दिन है, चाहे वो यूटी के अंदर मनाएं चाहे वो स्टेट के अंदर मनाएं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आज जब लोग 26 जनवरी मना रहे हैं और लोग यही उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के आइन को सर्वोपरि रखा जाए, हिंदुस्तान के आइन का, जो हिंदुस्तान के आइन ने हमें पावर दी हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर हालात ऐसे हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। इसलिए आप यूटी को या 370 या 35 ए को 26 जनवरी से मत जोड़िए या 15 अगस्त के साथ मत जोड़िए। ये खुशियों का दिन है हमारा, ये आज़ादी के दिन है, जिसको आज़ादी के तरीके से हम मना रहे हैं। और हर आदमी, हर गली कूचे में ये लोग तिरंगा आप कल देखेंगे कि गली गली में तिरंगे फहराएंगे, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो बात कही कि जो आइनी राइट्स हैं हमें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हिंदुस्तान का आइन हमें पावर देता है, वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को देना पड़ेगा। ये ना हो कि जो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को छोड़ के बाकी लोगों के पार्टियों को कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करने दे रहे। जो कुछ भी हो रहा है वो एक विक्टिमाइजेशन और हरासमेंट की पॉलिटिक्स इस रियासत के अंदर हो रही है। देखिए, 26 जनवरी का एक अलग सा महत्व है और ये हमारा रिपब्लिक डे है। चाहे यूटी हो या ना हो, इससे इस पर्व में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसी उत्साह से, उसी गर्मजोशी से, उसी खुशी से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी उसी उत्साह और उसी खुशी के साथ हर आदमी यहाँ पे 26 जनवरी का दिन बड़े महत्वपूर्ण तरीके से मनाएगा। बिल्कुल, ये लोगों की पार्टिसिपेशन तो नहायत ज़रूरी है,
इसी से तो पता चलता है कि लोगों में कितनी खुशी है, कितनी उत्साह है। लेकिन ये देखना भी हमारा काम है कि उनको किसी किस्म की पाबंदियाँ तो नहीं है, किसी जगह रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि जिससे उनको वहाँ वेन्यू में पहुँचने में कोई दिक्कत हो रही है। इसी वजह से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात की है और उन्होंने इस चीज़ की हमें एश्योरेंस दे दी है कि ऐसा इस बार नहीं होगा, इस बार हम अच्छे तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होने देंगे। जी लोगों में जम्मू एंड कश्मीर की आवाम की अपनी अपनी परसेप्शन रहेगी अपने अपने इलाके में। लोगों के हिसाब से ये है कि 26 जनवरी का और 370 के हटाने से कोई तल्लक नहीं, लेकिन अंदर से नाराज़गी ज़रूर रहेगी लोगों को। जो वहाँ पार्टिसिपेट भी करेंगे वो सब ये महसूस करेंगे कि हमारे साथ जो सावरन कमिटमेंट की गई थी रियासत के स्टेटस की, अब तो फैसला होना सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पेंडिंग है, उस पर हमारा कमेंट करना नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर महसूस तो ज़रूर रहेगा। 26 जनवरी बनाएंगे लोग, ये तो नहीं कहेंगे कि 26 जनवरी पहले भी मनाते थे, 26 जनवरी आप भी बनाएंगे, उसका 370 से कोई ताल्लुक नहीं। दर्शकों, जम्मू के लोगों में बड़ा उत्साह है, पहली मरतबा गणतंत्र दिवस खुली फिज़ा में मनाने की बात वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि 370 एक स्टिग्मा था जिसको लेकर के ऐसा लगता था कि विशेष दर्जा इस राज्य को मिला हुआ है और ये राज्य का देश का अटूट अंग है भी या नहीं है, इस पर भी लोग प्रश्न उठाते थे। लेकिन अब 370 में संशोधन हो गया, 35 से हट गई है, लिहाजा इस बार का गणतंत्र दिवस अलग ही अंदाज में मनाया जाएगा। तो पहले 26 जनवरी होती थी, हमारे वहाँ पे दो झंडे चढ़ते थे, एक राष्ट्रीय ध्वज चढ़ता था, एक स्टेट का एक झंडा होता था, हमारा फ्लैग वो चढ़ता था। लेकिन इस साल क्योंकि आपको मालूम है तो 35 ये तो हट गया यहाँ से और 370 का भी अमेंडमेंट हो चुकी है, तो इस साल जो हमारा झंडा होगा एक यूनियन टेरिटरी में जो राष्ट्रीय ध्वज होगा वही फहराएगा। और इस साल का 26 जनवरी का जो महोत्सव होगा एक खूबसूरत और शानदार तरीके से मनाया जाएगा, जहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सलामी देंगे, जहाँ पे हमारे सारे छोटे मोटे दुकानदार एसोसिएशन, हमने ये सब डिसाइड किया होगा, सभी लोग कल वहाँ पे जाके एक धूमधाम से 26 जनवरी को मनाया जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अमेंडमेंट हुई है बहुत बढ़िया किया सरकार ने, ये तो पहले काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, तो जैसे पहले होती रही 26 जनवरी उससे अच्छी बढ़िया होगी 26 जनवरी। इस बार की 26 जनवरी जो है जी ये बहुत ही बढ़िया होगी, कोई ऐसी बात नहीं। तो इस बार भी सर 26 जनवरी हर बार मनाई जाती थी, मतलब अच्छे तरीके से मनाई जाती थी। पहले तक जो हमारे जम्मू कश्मीर के हुक्मरान थे वो इसको फ्लैग को चढ़ाते थे और मनाते थे, और उस वक्त यहाँ पे दो फ्लैग होते थे, एक स्टेट का और इसका जो तिरंगा है हमारा देश का। तो इस बार हमें ये देखने को मिला कि केंद्र शासित अभी हमारा प्रदेश जो बन चुका है, और इसलिए अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो झंडे को फहराएंगे और इस बार तिरंगा झंडा जो है फहराया जाएगा। दर्शकों, टोल टैक्स हटाया गया और बड़ा श्रेय सरकार ने लिया। सरकार ने कहा कि इस फैसले से 1500 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान जो है सरकार को उठाना पड़ेगा, यानी एक बड़ी बात सरकार ने कही, बड़ा फैसला लिया है और ये उपभोक्ताओं के लिए फैसला लिया है। हमने अपने कार्यक्रम में भी जो ट्रेडर्स हैं उनको बुलाया और ट्रेडर्स भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट फायदा जो है उपभोक्ताओं को मिलेगा, लेकिन आज ये बात सामने आ रही है कि उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। वो सीमेंट के बैग की बात करते थे, वो सीमेंट का बैग भी वो पुराने दाम में बिक रहा है, उसमें कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। वैसे ही ऐसी कोई आइटम नहीं है जिससे सरकार ने प्रकाशित किया हो, सरकार ने आइडेंटिफाई किया हो कि टोल टैक्स हटने के बाद ये फलां चीज़ इतने रुपए सस्ती हुई है, बदकिस्मती की बात है। आज आरटी एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो ढोल सरकार पीट रही थी उस डोल में कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं है। उनका यह कहना है कि सरकार को आइडेंटिफाई करना होगा किन वस्तुओं पर टोल टैक्स लगने के कारण वो वस्तुएं सस्ती और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला है। तो रोहित कंसल जी ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह अनाउंस किया कि 1 जनवरी 2020 से लेकर आगे ये टोल टैक्स एबॉलिश किया जाएगा, और उन्होंने यह भी अनाउंस किया कि ये टोल टैक्स हटने के बाद सरकार के यूटी कफर में 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूं सरकार को, उन्होंने ये कदम उठाया, वन नेशन वन टैक्स का अदरवाइज पर्पस डिफीट होता। लेकिन अब बात यह है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा यह है कि ये जो 1500 करोड़ रुपया है इसका अल्टीमेट बेनिफिट कहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये कंज्यूमर तक जाना चाहिए, और कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एजेंसी ये चेक नहीं कर रही क्या ट्रेडर्स ने अपने रेट कम किए, क्या रिटेलर्स ने अपने रेट कम किए, क्योंकि टोल टैक्स से पहले
मेरी ये दरख्वास्त है हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मुर्मू साहब से, कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हिदायत दें कि वो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फेसबुक लाइव में, एफएम चैनल्स पे, ये पब्लिक डोमेन में लाएं कि टोल टैक्स हटने से पहले किसी आइटम्स का रेट कितना था और टोल टैक्स हटने के बाद उसका कितना कॉस्ट रिड्यूस हुई। दर्शकों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं उद्यमियों के साथ जो इनजस्टिस हुआ, उद्यमी लगातार स्ट्रगल कर रहे थे कि टैक्स को नहीं हटाना चाहिए, उद्यमी तर्क दे रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वाकई में जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनका कहना है कि फर्क कोई नहीं पड़ा है। सरकार को एक मरतबा फिर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अगर टोल टैक्स हटाया है तो जो उपभोक्ता हूँ कम से कम उनको जो लाभ मिले वो पारदर्शी तरीके से पता तो चलना चाहिए। ये जो लखनपुर का टोल टैक्स ख़त्म हुआ है उसके बाद भी हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। हम जब बाज़ार में जाते हैं तो वही रेट हमें मिलते हैं जो टोल टैक्स हटने से पहले थे, तो आज भी वही जैसे कि ये चीज़ों का रेट कम होना चाहिए, ये कोई कम नहीं हुआ है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए और चीज़ों का जो रेट कम होना चाहिए तो वो कम किया जाए ताकि हमें इसका कंज्यूमर को इसका फ़ायदा हो। दर्शकों उन्होंने डिमांड किया है कि एक लिस्ट छाया की जानी चाहिए, प्रकाशित की जानी चाहिए, जिसमें पता चलना चाहिए कि टोल हटने के बाद से किन किन वस्तुओं को कीमतों में कमी आई है और कितना उपभोक्ताओं को लाभ मिला है जो सरकार दावा कर रही है। 1500 करोड़ रुपए का सरकार ने दावा किया जो सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन ये 1500 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा, किसको इसका बेनिफिट हो रहा है, ये भी ज़रूर बाहर आना चाहिए। तो हम जी सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर एक अच्छा स्टेप उठाए, कोई ऐसी टीमें बनाए जो इसके ऊपर चेक कर सकें कि ताकि इन लोगों के ऊपर लगाम लग सके, नहीं तो जो सरकार ने अपने नुकसान उठाया वो किसी तक पहुंचेगा नहीं, उसका बेनिफिट किसी को भी नहीं हो पाएगा। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जी गवर्नमेंट को अगर अच्छा स्टेप उठाया इसके ऊपर एक और भी कोशिश करनी चाहिए कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचनी चाहिए, या होर्डिंग लगा के, या मीडिया में दे के, या कहीं और आज फेसबुक लाइव है वहाँ पे दे के कि लोगों तक ये पहुँचे कि जो आज जो हमने बेनिफिट दिया है, हम सरकार ने क्या काम किया और इसके ऊपर पूरा ही ये लगाम लगा के तो लोगों तक ये चीज़ पहुँचे कि लोगों को बेनिफिट मिल सके। दर्शकों अब हम बात करेंगे कारगिल के कैजुअल लेबर की। पहले भी मुद्दा उठाते रहे लेकिन अब कारगिल जब लद्दाख अलग यूटी बन गया है तो लद्दाख में जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर नीड बेस्ड वर्कर्स हैं वो उनकी तादाद लिमिटेड सी रह गया है। सरकार चाहे तो उनको रेगुलराइज कर सकती है और लंबी पुरानी डिमांड को पूरा किया जा सकता है। हमने बातचीत की और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, उनकी एज 60 होने वाली है लेकिन अभी तक उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। रेगुलराइज तो गवर्नमेंट ने हमें 2017 में एक SRO निकाला, उस SRO के तहत हम लोगों ने फाइल बनाया, अपने डॉक्यूमेंट जो भी चीजें थे हमने बना कर हमने आगे सेक्रेटरी में भेजा, तो उसमें कुछ कमियों की वजह से कुछ फाइल पहले फिलहाल वापस दिया गया। वापस आने के बाद हमने फिर बना के फिर भेज दिया। भेजने के बाद वहाँ पे पता नहीं उन फाइलों में क्या था क्या नहीं था, यह हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट यही इंश्योरेंस देते रहा कि आप लोगों को हो जाएगा, कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है अब तक नहीं हो गया। उसके बाद हमारी बदकस्मती है कि पता नहीं क्या है, हमारी यहाँ एक यूटी लग गया, यूटी में हम लोग आ गए तो अब हमारी यूटी के तो इस वक्त हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं था, कोई सुनाने वाला भी नहीं था, कोई लीडर भी नहीं रहा, तो अब हम लोगों को किसी के पास कोई जाने का रास्ता भी नहीं रहा, ना हम किसी को लेके जा नहीं सकता था। अब मेन मुद्दा जो इस वक्त हमारा है यही है कि हमको रिगुलाइज किया जाए। हमें पिछले हम इस वक्त 22 साल से मैं खुद PHE में काम कर रहा हूँ और हमारी बहुत से अमले हैं इस वक्त रिटायरमेंट के लिए तैयार भी हो गया है। मैं खुद भी अब कुछ साल ही रह गया शायद, मुझे भी ऐसा कुछ लगता है। अब मेरे हिसाब से तो हमें रिगुलाइज होना मुश्किल लगता है इस वक्त। अब गवर्नर साहब अगर कुछ करे तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे गवर्नर साहब के पास तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बड़ा स्पेशल पावर आ गया है इनके पास इस वक्त। तो अब हमें यही हम गुजारिश करते हैं कि गवर्नर साहब के हमारे हल को मसले को हल किया जाए किसी भी हालत में,
क्योंकि अब हमारे यहाँ कोई लोग तो ऐसे भी हो गया है बेचारे, कोई रिटायर पे भी आ गया है। अब रिटायर तो गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह करेगा, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो हम। उनका ये भी मानना है ना तो समय पर वेतन मिल रहा है और ना ही रेगुलराइज किया जा रहा है, वक्तन वक्तन सरकार को आगाह कराया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। केजरीवाल लेबर यूनियन का पहले भी यही स्टेटस है सर, अभी इस वक्त भी वही स्टेटस है। पहले हुकूमत पीडीपी और बीजेपी हुकूमत जो बना था तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों को किया जाएगा। असेंबली में ये SRO 520 पास भी हुआ था तो इन्होंने बोला इस वक्त हमारे पास 61,000 केजरीवाल लेबर होने की वजह से हम रेगुलर नहीं कर सकते हैं। अब चलो वो भी सही बात, इनके पास 61,000 की जोर लेबर होने से इन्होंने नहीं किया। अब हम लोगों को अपना यूनियन टेरिटरी मिला है ले और करगिल वालों के लिए, इसमें हम लोगों के लिए टोटल केजुअल लेबर ले दे के 2500 या 3000 केजुअल लेबर है। हम गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं सर, आपसे विनती करते हैं सर, हम आपसे मिलने के लिए आए थे, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम या 35 या 3000 केजुअल लेबर को आप केजुअल लेबर रेगुलराइजेशन कर दीजिए सर, मेहरबानी प्लीज सर। फिर भी हम आर के जो लेबर यूनियन दिन रात डिपार्टमेंटों के लिए, चाहे PHE हो, चाहे PFC हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, बिना की जो लेबर के बगैर आप कहीं भी नहीं चल सकते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके हम लोगों को रेगुलर किया जाए और हम लोगों का जो एक महीने का या एक साल का दो साल का तनख्वाह है सर, मेहरबानी उसको भी बकाया किया जाए, मेहरबानी। तो दर्शकों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।